उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल की दर से हुई। यहाँ सुबह सुबह बाबा का वैदिक मंत्रों से महास्नान करवाया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। पूरे देश में मकर संक्रांति पर्व की धूम है। लोग मंदिरों में पहुंचकर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। सभी धार्मिक पर्व की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से होती है। मकर संक्रांति की सुबह सुबह उज्जैन के महाकाल दर पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। सुबह तड़के 4 बजे वैदिक मंत्रों के साथ भगवान महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराया गया। सबसे पहले भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पंडित और राज पुरोहितों ने भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद, फलों के रस और सुगंधित इत्र से स्नान कराया। पंचामृत पूजन के बाद भांग और सूखे मेवे से दिव्य श्रृंगार कर नवीन वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण धारण कराए गए। भगवान को तिल से बने पकवानों का भोग लगाकर आरती की गई। आज से भगवान जो सूर्य देव है वो उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। भस्म आरती में भी भगवान का उपटन वगैरह के रूप से उनका सुगंधित द्रव्य से स्नान करा के तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाने का महत्व है। तिल जो है भगवान को अति प्रिय है। जितने तिल का भगवान को भोग उससे है तो लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है, धन धान्य की बरकत रहती है। इसलिए आज मकर संक्रांति पे भगवान महाकाल को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस मौके पर उज्जैन समेत दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती देख काफी खुश नजर आए। सभी भक्तों ने बाबा के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति का पवित्र पर्व था और महाकालेश्वर दादा की आज भस्म आरती का दर्शन किए, अहो भाग्य है मेरा और बहुत मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदमय हुआ और ऐसी महाकाल भगवान की सब पर अच्छी दृष्टि रहे। भगवान महाकाल उज्जैनी के राजा हैं, इसलिए प्रत्येक त्योहार सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान की मान्यता है। महास्नान के बाद लड्डू और चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी दान करने का धार्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट।